भरी गर्मी में झील का पानी पीने पहुंची एक पालतू गाय दलदली मिट्टी में जा फंसी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग बिलासपुर की टीम मौके पर पहुंची और गाय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दलदल में फंसी गाय को बचाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित गाय को बाहर भी निकाला। गाय के रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो गया है। दमकल विभाग के कर्मचारियों का रेस्क्यू वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी गाय को बचाने के लिए दलदली मिट्टी को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं मामले के संबंध में जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी सुभाष मिश्रा ने बताया कि झील के किनारे दलदली मिट्टी में फंसी गाय की जानकारी उसके मालिक द्वारा उनको दी गई, जिसके बाद उनकी टीम ने रेस्क्यू के जरिए पालतू गाय को सुरक्षित बाहर निकालकर गाय को उसके मालिक को सौंप दिया। बिलासपुर के लुहण ग्राउंड में 3 से 6 जुलाई तक होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को बिलासपुर पुलिस द्वारा एक टाइम का मुक्त खाना दिया जाएगा। ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने दी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि किसी पुलिस भर्ती में आने वाले युवाओं को पसीना बहाने के बाद खाना खाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत भर्ती के दौरान 6,000 युवाओं के लिए खाना बनाया जाएगा और दोपहर में परोसा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि इस पुलिस भर्ती में लगभग 6,000 लड़के और लड़कियां भाग लेंगी, जिनके लिए यहां पर खाने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी घर से आना पड़ता है। खाने की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों के प्रयासों से यह संभव हुआ है। जो लड़के व लड़कियां भर्ती के लिए आए हैं, उन्हें अपने एडमिट कार्ड दिखाकर भोजन दिया जाएगा। केंद्रीय बजट पर कांगड़ा जिले के लोगों की निगाहें हैं। हर बार की तरह सिर्फ झुंझुना ही मिलेगा या उपहार, इसके लिए सिर्फ 2 दिन का ही इंतजार है। पठानकोट जोगिंदर नगर नेरोगेज रेल लाइन व कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार इन दिनों ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पंख लगाने की उम्मीदें बजट से हैं। नेरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने के लिए सर्वे भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यालय में हुआ था, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ब्रॉडगेज का मामला ठंडे बस्ते में पड़ने से नेरोगेज लाइन के ही सुधार और इसके विस्तार के लिए प्रारूप तैयार हुआ, लेकिन ना तो बजट में प्रावधान हुआ ना ही उचित कदम उठाए गए। लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर 2018 में पठानकोट जोगिंदर नगर रेल ट्रैक का हवाई सर्वे किया था और संभावनाएं तलाशी थी। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुपर फास्ट रेल भी चलाई गई, पर इसका भी कोई खास लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। इसके अलावा गद्दर स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी निगाहें बजट पर रहेंगी। प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके विस्तार की संभावनाएं हैं। साथ ही ये पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 9 के 10 में बना ये एयरपोर्ट अभी छोटा है और इसका विस्तार बजट के अभाव में लटका है। अगर इस बार बजट का कुछ प्रतिशत भी यहाँ खर्च होता है तो विस्तार भी तय है। विस्तार न होने से यहाँ अब तक केवल छोटे जहाज ही उतर पाते हैं। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया 2013 से शुरू हुई थी, इसके लिए कई बार सर्वेक्षण भी हो चुके हैं। एयरपोर्ट में बड़े विमानों को उतारने के लिए हवाई पट्टी को 1370 से बढ़ाकर 1920 मीटर बनाया जाता था। वर्तमान में 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। एयरपोर्ट में 2 बड़े जहाजों को पार्क करने की व्यवस्था है। 12 मई 2015 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 6 सदस्यीय टीम यहां पहुंची थी। इसके बाद ये तय हुआ था कि स्नौरा से कुटमा तक 2388 कनाल भूमि अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए संवैधानिक दी है।
जिलावासियों को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से इन दोनों परियोजनाओं के लिए बजट मिलने की उम्मीद जगी है। धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता का कहना था कि हिमाचल प्रदेश से चुने गए युवा सांसद अनुराग ठाकुर को राज्य वित्त मंत्री बनाया गया है। उनको उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनको पूरी आशा है। उन्होंने रेल विस्तारीकरण और हवाई विस्तारीकरण को लेकर कहा कि उन्हें पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में इन दोनों योजनाओं के विस्तारीकरण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रदेश में उद्योग लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए और टैक्स लिमिट 5 लाख तक बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा GST लिमिट बनने की प्रक्रिया और आसान की जानी चाहिए।